हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अयोध्या के विकास के इस विजन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देखा है और अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरत को हिसाब से है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 30 साल का जो प्लान देखा है इस पर होगी आज कुरुक्षेत्र में बात। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे साहब, अयोध्या का ये मिशन और प्रधानमंत्री का ये विजन, क्यों नहीं इसमें विपक्ष का सहयोग उनके साथ? हाँ सुरभि जी, एक तो आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, मगर फिर भी मैं जितना सुन पाया हूँ, भगवान प्रभु श्री राम का वैभवशाली मंदिर का निर्माण हो, ये समूचा भारत वर्ष सनातन समय से हम लोग सब आस्था रखते हैं भगवान प्रभु श्री राम पे और चाहते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रधानमंत्री जी, भगवान का वैभवशाली मंदिर में भगवान का वैभव क्या है? भगवान का वैभव है उनका त्याग, उनका आदर्श, उनके सिद्धांत और वचनों की मर्यादा की खातिर 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर वन में गमन कर जाना। भगवान की आस्था पर जो कुठाराघात हुआ है, आस्था की जो लूट हुई है, मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री कम से कम उसका संज्ञान लें। देखिए, मैं आपको सिर्फ 4 प्रसंग सुनाता हूं भगवान प्रभु श्री राम के, मेरे आराध्य हैं वो। पहली बार जब राजा दशरथ ने भगवान को बताया उनके वचन के बारे में केकई के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो इस वैभवशाली सिंहासन पर राज कर सकते हो। भगवान ने कहा, भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि इक्ष्वाकुकुल और रघुकुल की मर्यादा है वचनों का पालन करना, इसलिए हे पिता दशरथ, मैं वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ इस वैभव को त्याग कर 14 वर्ष वन में गमन करता हूं। फिर सुमंत जी उनको लेकर गए गंगा के तट पर, गंगा के तट पर केवट मिला। केवट की आस्था का प्रसंग एक 10 सेकंड में आपको बताता हूं। केवट ने भगवान प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, आपके चरणों को पड़ने से पत्थर नारी हो जाता है, अगर मेरी नौका नारी बन गई तो मेरी आजीविका का क्या होगा, मैं जीवन पर्यंत कैसे गुजारा करूंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उसकी आस्था समझ गए। भगवान ने कहा जो बड़े बड़े संत मंत नहीं कर पाए वो ये करना चाहता है। भगवान ने कहा बता तेरी मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पैर नहीं पखार लूंगा, जब तक आपके पैर नहीं धो लूंगा, मैं नौका में पैर नहीं रखने दूंगा। उधर मां गंगा व्याकुल होकर ये सोचती थी कि वामन अवतार में जो 3 पग में पूरी धरती भगवान नाप लेते हैं वो आज केवट की आश्रय है। तो ये भगवान की आस्था है, भगवान के भक्तों की आस्था है। केवट ने गंगा को पार कराया, जब माता सीता ने भावुक होकर उसे रत्न जड़ित अंगूठी देने की कोशिश की तो केवट ने कहा कि नहीं भगवान, जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है, मेरा समय आने पर आप मुझे भाव सागर पार कराना। तीसरा प्रसंग है शबरी का। शबरी ने अब पूरी आस्था के साथ भगवान को कड़वे बेर न मिले इसलिए बेर खाकर भगवान को देती रही। भगवान ने उनकी आस्था पर समर्पण किया और जब वो 14 वर्ष का वनवास त्याग कर आए तो सबसे पहले भगवान ने पूछा किसको, भगवान ने उस मंथरा को पूछा जिसके कारण उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो भगवान की आस्था से अभिभूत है सनातन समय से सारे भक्त, लेकिन आस्था पर डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यह बहुत हृदय विदारक है। हम जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इस वैभवशाली मंदिर में प्रधानमंत्री जी, तो क्या कहेंगे भगवान राम को? उनको कहेंगे कि तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे आदर्श को, तुम्हारे सिद्धांत को सबको तजकर हम सिर्फ ऐश्वर्य के आडंबर का ये भवन बनाना चाहते। प्रधानमंत्री जी सजा दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने भगवान की आस्था पर डाका डालने की कुचेष्टा की है। मैं, आप अगर अवसर देंगी तो सिलसिलेवार 4 प्रमाण दूंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा, किसी जांच की आवश्यकता ही नहीं है, उसको साफ तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बहस में आए थे तो क्या कहा था इन्होंने, उन्होंने कहा कि 4-5 गुना भूमि के भाव बढ़ गए इसलिए वो 18.5 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। जब दूसरा खुलासा हुआ कि उसी 18 मार्च को उतनी ही जमीन, लगभग ये 1.2 हेक्टेयर जमीन थी, ये 1.037 हेक्टेयर जमीन उसी हरीश पाठक, कुसुम पाठक ने मात्र 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेची है, तब ये कहते रहे कि नहीं नहीं कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। भारतीय अभिदीपी जी, आपकी आवाज जरा कट रही है, उसको हम ठीक करते हैं। आपकी बातों का मैं जवाब ले लेती हूँ के शर्मा साहब से। के शर्मा साहब, ये तो कह रहे हैं स्पष्टीकरण के बावजूद लेन देन से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। दूसरा, इन्होंने आस्था की लूट की बात कही है, मंशा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सुरभि जी आज कि कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे जी आज रामायण के प्रसंग को लेकर बातें कर रहे हैं। मुझे भी एक प्रसंग याद आ रहा है,
माँ सीता के हरण का। इसी तरह रावण आया था, साधु के वेश में आया था और माता सीता को लालच देके, जो मृग के लिए के को लाने के लिए भगवान राम गए थे, तो वहाँ पर छल हुआ और साधु के वेश में कोई आके सीता माँ को सीता का हरण करके ले गया। आज मैं देख रहा हूँ अभय दुबे जी बिल्कुल उस वेश में, प्रवचनकार के वेश में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये वही उसी पार्टी से आते हैं सुरभि जी, जो पार्टी कभी कहती थी कि भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। एफिडेविट दिया है न्यायालय के अंदर इन लोगों ने कि भगवान राम जैसा कोई, ये तो काल्पनिक पुरुष है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। वो आज जो 70 सालों तक राम मंदिर निर्माण के लिए बाधा बनकर खड़े रहे, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया और करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के आस्थाओं पर निरंतर चोट किया, वो आज यहां पर बैठ के प्रवचन दे रहे क्यों? मुझे एक डिबेट याद है अपनी 2012-13 की। मैं उस समय कहा करता था सुरभि जी कि वो दिन आएगा जब राहुल गांधी ये सब डाल के जनेऊ और ये सब लेकर घूमते थे गले में पाखंडी बनकर, तो मैं कहता था उस समय कि एक दिन आएगा कि 10 जनपद में भी ये राम जो है रामचरित मानस का पाठ करेंगे, ये 10 जनपद अकबर रोड में भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे, गायत्री हवन भी करेंगे ये लोग। और वो करके दिखाया मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने। जो लोग भगवान पर आज की करोड़ों लोगों की आस्था पर निरंतर चोट करते थे, वो लोग भगवा हो, केसरिया हो, तिलक लगाना हो, जय श्री राम बोलना हो, तो हम सांप्रदायिक हो जाते थे। और ये सेकुलर, गणेश पूजन हो उसका विरोध इन्होंने किया, सरस्वती पूजन हो उसका विरोध इन्होंने किया। देश के हिंदू मान्यताओं की, हिंदू आस्था पर जितना प्रहार ये कर सकते थे, हिंदू आतंकवादी इन्होंने बताया, ये सब काम इन्होंने, इन कांग्रेसियों ने किया है। हिंदू आतंकवादी बकायदा जयपुर के अधिवेशन में बोला गया और इनके गृह मंत्री के द्वारा बोला गया। चलिए, लेकिन मैं आज तो की बात पे आती हूं और आपकी बात का अभय दुबे जी से जवाब लेती हूं, केके शर्मा साहब, क्योंकि और मैं उस पे इतना कह देता हूं कि बहुरूपिये जब रंग बदलते हैं ना तो वो ज्यादा दिन चलते नहीं है सुरभि जी। ये देश की जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सदैव भारतीय संस्कृति, भारत की आत्मा, आस्था, आध्यात्म, इन सब के प्रति इन्होंने चोट किया और हमेशा भारत को विश्व स्तर पर नीचे गिराने का काम इन लोगों ने किया है। तो ऐसे लोग आज बैठकर यदि ज्ञान दे रहे हैं, आज माननीय, बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसी संकल्प के साथ अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि अयोध्या एक आध्यात्मिक नगरी नहीं है, अयोध्या एक विशिष्ट नगरी भी है, उसके विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए, वहां पर किस ढंग से बुनियादी सुविधाएं हो, किस तरह से वहां आवागमन के जो रास्ते हैं कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, हवाई अड्डा बनाया जाए, रेल सुविधाएं वहां पर कैसे उपलब्ध हो, किस तरह से वहां पर जन भागीदारी के माध्यम से वहां विकास हो, किस ढंग से वहां पर जो है आध्यात्मिक रूप से भी विकास, और आज की बात का मैं जवाब ले लेती हूँ केके शर्मा। अबे जी ये कह रहे हैं कि अगर अयोध्या के बहाने आसपास के जिलों का भी विकास होता है, जिस विजन की बात आज हम कर रहे हैं उसमें पूरे आने अगले 30 साल के प्लान को प्रधानमंत्री ने अगर आज देखा है, जिसमें ये साफ है कि अगर आसपास के जिलों का भी विकास होता है, खास तौर पर अगर हम बात करें तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, रोजगार को लेकर अगर अवसर पैदा होते हैं, तो उसमें विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों आपत्ति जाहिर करता है विपक्ष? जी, मुझसे पूछा आपने। जी अभय जी, देखिए सुरभि जी, भगवान का वैभवशाली मंदिर बने, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पहले दिन से हमने कहा था,
हमने कहा न्यायालय जो भी निर्णय लेगी वो हमें शिरोधार्य है। ये तो भारतीय जनता पार्टी थी, आप उठाकर देख लीजिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली तब उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय हमारी आस्था का फैसला नहीं कर सकती, हमें सत्ता तो हम मंदिर दे देंगे। सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत होगा तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। अब जब पूर्ण वैभवशाली मंदिर के निर्माण की बात आई, पूर्ण बहुमत था तो मोदी जी का कि न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है न्यायालय का निर्णय हुआ, लेकिन इनके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, नाना विधि कई कथा सुहाई राजनीत भय प्रीत दिखाई, कि रावण ने माता सीता का जब हरण किया था तो राजनीति से भय से प्रीत से किया था, इसी प्रकार इन्होंने सत्ता का हरण किया। ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, अरे 28 सितंबर 1998 भूल गए, तमिलनाडु की वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा, उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, ये राम सेतु मैं तोड़ कर रहूंगा। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय उनके साक्षी थे। उसके बाद इतना ही नहीं, 2000-2001 का बजट उठाकर देख लीजिए, बजट में 4,80,00,000 रुपए का प्रावधान किया और अरुण जेटली साहब जब नीरी ने ऑब्जेक्शन लिया उन्होंने कहा कि थोरियम की बड़ी लेयर है इसके पास, तो वो लेकर गए और कहा कि सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कीजिए हम राम सेतु तोड़ेंगे। ये भूल गए इनके संस्कृति मंत्री शर्मा, जब उनसे पूछा, इन्हीं के सांसद प्रभात झा ने प्रश्न पूछा कि माता सीता का जो ऐतिहासिक हमारा स्थल है उसकी प्रगति की क्या परिस्थितियां है, तो कहते माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण इनके पास नहीं है। अरे मैं तो आग्रह करना चाहता हूं इन हनुमानों से भी, जैसे मैंने कहा कि भगवान प्रभु श्री राम आए तो उन्होंने सबसे पहले मंथरा को पूछा, मैं इन मंथरा के अनुयायियों के हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं और कहता हूं मेरे युग के हनुमानों बोलो तो किस दिन की खातिर मोहन लिए बैठे हो, लूट रहा देश घुट रहा सभी का दम है, तुम दमसा देख क्यों होठ सिए बैठे हो, तुम राम भक्त पर राम कहा इनके भेष में, तुम हो जो रावण के अनुसारण कर मन बैठे, तुम राम लखन से पीठ किए बैठे हो। सही राम तो वो है जो मर्या वचनों की मर्यादा की रक्षा भगवान राम के त्याग और आदर्शों पर चले। ये वैभवशाली हजारों करोड़ रुपए जो समर्पण निधि हमने भी दिया चंदा, हमने भी समर्पण निधि जो आपने घोषणा की थी कि हम लोग 2 माह में हजारों करोड़ रुपया संग्रहित करेंगे, सबने दिया, उसमें कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मैं केके शर्मा जी को भी भाजपा का नेता नहीं मानता, मैं मानता हूं कि हम सारे जो 130 करोड़ लोग भगवान के अनन्य भक्त हैं उनको संकल्प लेना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री आप अभी जी आज प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अयोध्या हर भारतीय द्वारा हर भारतीय के लिए बनाई जा रही है, यानी आप भी सहयोग देने की बात कह रहे हैं और पूरी तरह से उसके समर्थन में भी है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर राहुल गांधी हम देखते हैं मंदिर मंदिर जाते हैं तो क्या आध्यात्मिक नगरी अयोध्या का भी वो दौरा करेंगे, मंदिर जाएंगे? देखिए सुरभि जी, ये नितांत व्यक्तिगत विषय है। राहुल गांधी जी पूरी आस्था रखते हैं, वो सनातनी हैं, उनका धर्म है वो जो उसका आचरण करते हैं, लेकिन जो हमारा राष्ट्र धर्म है वो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री अयोध्या जाए, राहुल गांधी जाए, हम सबको जाना चाहिए, मगर आज सवाल बड़ा यह है कि हम कितना भी बड़ा वैभवशाली मंदिर का निर्माण करें, भगवान का वैभव उनके आदर्शों पर चलने में है, उनके त्याग में है, उनके नीति और सिद्धांत में है। हम रामराज्य की अवधारणा, राजीव गांधी जी ने तो कहा था जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे कि मैं रामराज्य की स्थापना के लिए देश में निकला हूं, तो रामराज्य क्या है, वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजना राम राज्य है, सत्ता का भोग करना और भगवान राम की आस्था को धोखा देना राम राज्य कतई नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि संज्ञान लीजिए, कितने भी बड़े लोग इसमें सम्मिलित हो, आप अप्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, प्रमुख भी हैं। नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल हो गया मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती, मुझे मीटिंग के मिनट्स तक नहीं दिखाए जाते, तो ये क्या चल रहा है? को वो अनिल मिश्रा जो 20 लाख की खरीदी हुई रजिस्ट्री में भी गवाह है, और वो अनिल मिश्रा जो 2.5 करोड़ रुपए बेचने में भी गवाह है, और वही अनिल मिश्रा ट्रस्टी भी है उसका, तो कम से कम जो अयोध्या के महापौर हैं, उनका भांजा है देवनारायण, इन सबको आगे आकर बात तो स्पष्ट करनी चाहिए। जो रवि मोहन तिवारी जिसका ये जिक्र करते हैं, जो वहां के महापौर के समधि का साला है, ये कहते थे कि वो तो 2011 का एग्रीमेंट है, वे प्रमाण मेरे पास है कि उस अनुबंध में रवि मोहन तिवारी कभी भी नहीं था। इन्होंने जब 18 मार्च को रजिस्ट्री कराई तो पुराने सारे अनुबंध निरस्त किए, और जो आदमी मालिक की नहीं है उसके नाम मैं एक लाइन में जवाब दे देता हूं। जी कहिए कहिए, अब उनकी बात सुन लेते हैं, कहिए केके शर्मा साहब। मैं 2-3 बात इनकी जो पहले इन्होंने कही वो बता देता हूं।
इन्होंने कहा कि साहब राम सेतु को लेकर ये हुआ और इसमें अटल जी ने ये किया वो किया, ये भूल गए अभय दुबे जी, ये राम सेतु का ही प्रकरण था जिसपे आप हलफनामा लेकर गए थे कोर्ट में न्यायालय में ये कहने के लिए कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये राम सेतु का ही प्रकरण था अभय जी, थोड़ा स्मरण मुकदमा कब लगा, बहुत सारे श्लोक याद करते ये सब घटनाएं भी याद किया तोड़ रहे थे तब का मुकदमा, सुन लीजिए कोई नहीं तोड़ने गया था आपके पीरियड में गए थे, 2005-06 में तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसलिए अभी आप ये सब मत ध्यान दीजिए, झूठ मत बोलिए, सुरभि जी मुझे मौका दीजिए, ये इस तरह से बात सुनी जा रही है, पेज नंबर 13 बिंदु नंबर 52, आप इसको बंद कर दीजिए, इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए, मुझे ऐसे ऐसे लोग से बात नहीं कर सकते आप। अभय जी जी जो बात आपने कही है उसका वो जवाब दे रहे हैं, उन्हें एक बार सुन लेते हैं, कहिए के शर्मा साहब। सुरभि जी यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा, राम सेतु को लेकर ही जो विषय उठे थे उसी में इनकी संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने सोनिया की गांधी के कहने पर बता दीजिए ना, वो वहां पर गई और जाकर उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, ये सच्चाई है, और ये राम सेतु का ही प्रकरण था जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि राम को तोड़ने का संकल्प, अब मैं इसके आगे की बात आता हूँ, ये कह रहे हैं कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए, बड़ी बड़ी व्याख्या दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ आज की ये गेरुआ पहन के आई है, गेरुआ पहन के जो कुर्ता होता था हमें अच्छी तरह याद है, मेरी 20 साल की राजनीति 20 साल से ज्यादा हो चुकी है और मैंने इनके कांग्रेसियों के बहुत से बयान सुने, ये भगवा रंग और तिलक लगाने पर ये कहते थे कि सांप्रदायिक हो, आज वही भगवा पहन के बैठे हैं ये अभय दुबे जी, लेकिन अच्छा। हमें तो भगवा से बहुत प्यार है, हम तो दिल से चाहते हैं और भगवा ही चाहते हैं, लेकिन आगे कहता हूं, अब ये कहते हैं कि आदर्शों पे चलना चाहिए, क्या आदर्श है भगवान राम का, भगवान राम ने कभी कहा कि आप जो है गाय के बछड़े को काट के और सरेआम मार्केट में काट के और उसका मांस निकाल के आप बनाएं और सबके सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मिलकर खाएं, ये कर्म किसने किया है अभय दुबे जी आपको ज्ञान होना चाहिए इसका, गोवा भूल शर्म आनी चाहिए आपको, गोवा भूल गए, हिंदू धर्म के एक एक आस्थाओं पर चोट कैसे किया है आप लोगों ने, मेघालय भूल गए, केरल के अंदर आप लोगों ने जीवित बछड़े को काटा, ये भगवान राम का आदर्श दिखा रहे थे, आपका सांसद का प्रत्याशी घूम रहा था केरल में नहीं जनाब, ये घटनाक्रम में सारे टीवी चैनलों में दिखाया, आप क्या बात करते हैं, कह रहा था तो ये देखिए अब मैं इनका पोल खोल रहा हूँ सुरभि जी, तब इनको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं इनका पोल खोल रहा हूँ तो इनको बहुत तकलीफ है, बीच बीच में बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ ये सुन नहीं सकते, जवाब दूंगा, ये अपने कुकर्मों को सुन नहीं सकते सुरभि जी, इसलिए इनको ये तकलीफ है, यदि मैं गलत हूं तो मुझे दिखा, आप अभी अपने प्रोड्यूसर से कहिए वो फुटेज अभी सामने आएगा, केरल के अंदर किस तरह से एक जो है ट्रॉली के ऊपर में इन्होंने बछड़े रख के सरेआम काटे और फिर वहीं पर पकाया नीचे और पका के सारे कांग्रेसी मिलके खाए वहां पर, ये हमें गाय सिखा रहे हैं भगवान राम का आदर, शर्म नहीं आती इनको, ये कपिल सिब्बल जाकर कोर्ट में जो है भगवान राम के ये अयोध्या का जो प्रकरण था उसको रुकवाने के लिए क्या नहीं किया, इन्होंने न्यायाधीशों तक को जो है उसको उसके उनके ऊपर आरोप लगाने से ये नहीं चुके हैं, इसी अयोध्या के प्रकरण ये विरोधियों के उसमें जाकर खड़े हुए और जाकर इसको इस पूरे निर्णय को रुकवाने के लिए यही कहा कि चुनाव आ रहा है अभी आप इसका निर्णय मत कीजिए, क्या नहीं इन लोगों ने प्रयास किए हैं वहां अयोध्या में जो है इसको रुकवाने के लिए, इस निर्णय को न्यायालय में रुकवाने के लिए, तो वो आज हमसे कह रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं अयोध्या के संदर्भ में, इनके जवान से राम शब्द भी निकले तो अब जो है उसका अपमान है इन कांग्रेसियों के मुंह से, जितना अनर्गल शब्दावली के ये हो सकता था उतने अनर्गल शब्दों का प्रयोग ये हिंदू देवी देवताओं के लिए करने वाली पार्टी है, लेकिन अब तो राहुल गांधी को ही बात कहते हैं, अभय दुबे जी से आप मैं अभय दुबे जी के पास जाऊं उससे पहले ये भी बता दूं कि खुद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि श्री राम स्वयं न्याय है सत्य है धर्म है, और उन्होंने तो ये कहा था कि उनके नाम पर धोखा अधर्म है, अभय दुबे साहब बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए इसी अधर्म के कारण से, अब एक बात कहकर खत्म करता हूँ सुरभि जी, इसी अधर्म के पन के कारण से आज कांग्रेस पार्टी रसातल पे खड़ी है, जिस ढंग से इन्होंने भगवान राम का अपमान किया, जिस ढंग से इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, वैदिक संस्कृति धर्म का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, उसके कारण ही आज ये रसातल पर खड़े हैं,
हर जगह चौथे नंबर, पांचवें नंबर और छठवें नंबर की पार्टी हो गई। पूरा देश ने इनको जो है त्याग दिया, इसीलिए क्योंकि आप अपमान करना, और आज भी जो आप अपमान कर रहे हैं, देश देख रहा है अयोध्या का, वो उसको बंद कर दीजिए। रही बात स्मार्ट सिटी, जो अयोध्या के विकास किए, सुरभि जी मैं दावे से कहता हूँ आपको, हमने विकास किया है, हम अयोध्या के आसपास इर्द गिर्द के सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे, अयोध्या को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में बनाएंगे, हम अयोध्या को पूरा जो है उसका वैभव और अस्तु लौटाएंगे। आपकी पूरी बात सुनी गई शर्मा साहब, आप ही की बात का अभी दुबे साहब जवाब दे रहे हैं। और अभी दुबे साहब, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे ये पूछा भी था कि अगर राहुल गांधी अब ये कहते हैं कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, क्या वो खुद जाएंगे अयोध्या के दौरे पर, क्या वो मंदिर में दर्शन करेंगे श्री राम के? आपने कहा ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि राहुल खुद अपनी आस्था सामने रखते हैं। असम में वो कामाख्या मंदिर भी गए थे, हमने देखा था किस तरह से भावनात्मक संबंध उन्होंने तिरुनेलवेली मंदिर में भी बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर भावनात्मक संबंध लोगों के साथ बनाए जाते हैं तो वो अच्छी बात है। देखिए, आप देखिए, चाहे वो सोमनाथ हो, मानसरोवर हो, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, पैदल चलकर गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जब भी अपनी आस्था प्रकट करते हैं, ये बाधा बनते हैं भगवान और राहुल गांधी जी के बीच, ये पाप और श्राप के भागी हैं। जो के शर्मा जी ने दिखाया, यही तो रावण का अहंकार था, जिस अहंकार की ये बात कर रहे हैं। ये गोवंश पर कहते थे सत्ता दीजिए, हम कानून लाएंगे, राष्ट्रीय कानून बनेगा, गोवंश की हत्या हम पूरे देश में रुकवा देंगे। अमित शाह साहब जब गोवा में गए, पूछा तो उन्होंने कहा राज्यों को तय करना। सुनिए, एक के बाद एक सुनिए, केरल में आपने हत्या किया, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स क्या है, जवाब दीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। मैं चुनौती देता हूं, गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में गाय काटी जाती थी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। जब अमित शाह साहब गोवा गए थे तब भी वो उपक्रम चालू था। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पर वो कहते हैं कि 4 साल मोदी सरकार के गाय का मांस खाकर सेलिब्रेट करेंगे। आपके मंत्री किरण रिजिजू, वो केंद्रीय मंत्री, कहते जब मुख्तार अब्बास नकवी कहते कि गाय काटने वालों को पाकिस्तान भेज देंगे, तो किरण रिजिजू कहते Can somebody stop me? किसी में साहस है जो मुझे रोक कर बताए? तो इतनी दृष्टता वो आदमी मंत्रिमंडल में है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय का मांस खाते वो जायज है। बाकी आप दूसरों पर आरोप लगाएंगे के शर्मा जी, रावण के अहंकार से यही परिलक्षित होता है। एक बार भी आपने भूमि के घोटाले के संदर्भित विषय पर बात नहीं की। अरे आज मैं रामलला के वकील के रूप में यहां खड़ा हूं और आप रामलला की आस्था को बेचने वाले घोटालेबाजों की रक्षार्थ उनके वकील बनकर खड़े हो, ये अक्षम्य अपराध है। आप भी जवाब दे देता हूं इनको, जमीन पर ही जवाब दे देता हूं, मैं भी आता हूं, जमीन पर ही जवाब दे देता हूं। देखिए शर्मा साहब, मैं आप जवाब दें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। अभी दुबे साहब, जितनी बातें आप भोगना पड़ेगा के शर्मा जी, लेकिन अभी दुबे साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि आखिर अभी तक हम ये देख चुके हैं कि राम, जब जब धर्म की बात आती है तो उसमें अध्यात्म से जुड़ी बात राहुल गांधी खुद करते हैं, राम जन्मभूमि से अभी तक किस बात की दूरी बनाए रखी गई है, उससे बैर क्यों? क्या कहा, ये बैर हुआ जो मन में बसे हैं भगवान प्रभु श्री राम, क्या मंदिर के में माथा टेक कर उसकी संचित निधि पर आंख रखने वाले राम भक्त हो गए? क्या बात करती हैं आप? हम सब लोगों ने श्रद्धा निधि, समर्पण निधि दिए, उसमें डाका डालने वाले राम भक्त हो गए और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले पाखंड, अरे पाखंडी तो ये लोग हैं, तीनों लोग कांप जाए, तीनों लोग कांप जाए, ऐसा पाप किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दिया। आप सामने आइए, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलेंगे और दंडित करेंगे, लेकिन आपने तो पर्दा डालने का काम कर दिया प्रधानमंत्री जी। ये मीटिंग ऐसा लगता है तो राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है, लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है ये तो बता दीजिए। हम यही चाहते थे कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में लोग जो पाला पोसा जा रहा है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आज आपने पर्दा डालने का काम किया, आपने अच्छा काम नहीं किया प्रधानमंत्री जी। अरे सारे 130 करोड़ अनन्य भक्त भगवान राम के, मैं जवाब देता हूँ, आघात किया है, इतना लंबा ये बोल रहे हैं, मैं जवाब दीजिएगा, लेकिन भगवान राम का वैभव लौटाइए, भगवान राम की आस्था की लूट करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए। ये छद्म वेश धारण किए हुए दस्यु वृत्ति के लोग हैं, राम की आस्था से इनका सरोकार ही नहीं। पहले दिन से हम कहते हैं और
आरोप लगाया निर्मोही अखाड़े ने कि 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम का जो चंदा एकत्रित किया है वो भी पहले आप खा गए। आप जी हमेशा से निगाह भगवान राम की जो समर्पण निधि है उस पर थी। भगवान राम जी के शर्मा साहब यही जवाब चाहते हैं कि अभी तक मामले की जांच को लेकर कुछ नहीं किया गया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूं अभी दुबे साहब। के शर्मा साहब, मामले की जांच को लेकर कोई स्पष्टीकरण अगर दिया भी गया है तो भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से किसी मामले की जांच की बात नहीं कही गई है और वीएचपी ने तो यह भी कहा था कि मानहानि का दावा भी करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो अगर अब पूरे मामले पर विपक्ष पीएम के हस्तक्षेप की बात कर रहा है, पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जा रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए सुरभि जी, मैं इसका जवाब दूंगा लेकिन एक कमेंट का पहले जवाब दे देता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि आपने प्रश्न इनसे किया कि राहुल गांधी इतनी दूरी अयोध्या से क्यों बनाए हुए, बाकी जगह वो जाते हैं, कहीं कोर्ट के ऊपर जने उन्हें डाल लेते हैं, कुछ भी करके कहीं गोत्र पढ़ाते हैं अपना, वो ठीक है, वो सब नौटंकी उनको करनी पड़ती है, चुनाव आता है तभी होती है उनकी नौटंकी, एक दो महीना पहले चालू होता है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था अयोध्या में तब भी ये प्रश्न उठे थे, वो बगल तक गए थे लेकिन वहाँ नहीं गए, बहुत सारे जवाब प्रियंका गांधी को देने पड़े, लेकिन इन्होंने कहा कि उनकी आस्था है। और ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब भी मंदिरों में जाते हैं तो ये लोग उनकी बाधा बन जाते हैं। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी या हम उसमें बाधा नहीं बनते। राहुल गांधी किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं जाएं तो हम बाधक नहीं, उनका कुकर्म उनका बाधक बनता है, जो कुकर्म उन्होंने किए हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ, वो कुकर्म उनका बाधक बनकर खड़ा होता है। और अयोध्या में भी तो बिल्कुल स्पष्ट साक्षात सामने खड़ा मिलेगा। तो वहां यदि आप जाते हैं राहुल गांधी, तो मैं इतना सलाह दूंगा आपको, मैं निश्चित तौर से आपको सलाह दूंगा। सुरभि जी आप रोकिए, मैंने नहीं बोला था पीछे, सुरभि जी रोकिए। एक एक करके अभय दुबे साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। पूरे देश से जी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी बता, देखिए सुरभि जी मैं अभी जमीन पर भी जवाब दूंगा, बिल्कुल ये शांति रखिए। राहुल का नाम आते ही ये बिगड़ जाएंगे, मुझे पता की पूजा करना आपके लिए। मैं तो कहता हूँ सुरभि जी, हम सनातन मैं तो कहता हूँ आप क्षमा मांगिए पूरे देश से। क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला होता है और अगर विपक्ष इस पूरे मामले पर आस्था जाहिर करता भी है तो उससे आपत्ति क्यों होती है शर्मा साहब? नहीं, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। हम तो कह रहे हैं कि आप जाइए, जब शिलान्यास हुआ था सुरभि जी तब भी ये विषय उठा था, हमने कहा था ना कि शिलान्यास हो गया, अब जाइए ना आप वहां पर, लेकिन जाइए निश्चित तौर पर जाइए। राहुल गांधी जाए, सोनिया गांधी जाए, प्रियंका गांधी जाए, और जाकर जो वहां पर पश्चाताप करें बैठकर कि हमने इतने दिनों तक आपका मंदिर नहीं बनने दिया, हम बाधक बन के खड़े थे, हम विरोधी थे आपके, और आज हमको गलती हो गई, हमें माफ कीजिए प्रभु, प्रभु श्री राम, हम आज आपसे माफी मांगने आए हैं। ये वहाँ जाए और प्रायश्चित करें, क्योंकि भगवान का मंदिर यदि सुख के साथ दुख के अपने लिए माफी मांगने की भी जगह होती है, सुख भी मांगा जाता है, प्रायश्चित भी किया जाता है, तो जो कुकर्म किए हैं ये उसका जाकर माफी मांगे। अब नंबर दो, जमीन पर अब इनसे कहिए कि ये पर मेरा जवाब के साथ, क्योंकि अब इन्होंने बार बार उठाया तो मैं एक जवाब देता हूँ। वैभव कब रहेगा? इनको रुकवाइए तो मैं जवाब दे देता हूँ। सुरभि जी जमीन पे बोलता हूँ जी, जवाब दीजिए। जमीन पर मैं निश्चित तौर से कहूंगा, इन्होंने बहुत सारे इन लोगों ने कुछ दिनों में ढूंढ ढूंढ के आरोप लगाए हैं, उसकी बकायदा रिपोर्ट जो राज्य के मंत्री हैं यानी राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मंगाई, स्वयं इंटरफेरेंस किया और उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई, केंद्र सरकार ने भी मंगाई और मंदिर ट्रस्ट ने सबको रिपोर्ट भेजी है, सब जगह रिपोर्टों की बकायदा जो है जांच हुई, उसको देखा गया और उसमें ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं लगा है। मैं इनको कहता हूं, यदि आप आरोप लगाते हैं और आपके पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो इस देश के निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप आरोप लगा के थूक कर भागते हैं, यदि आप में दम है तो जाइए किसी कोर्ट में खड़े होइए। यही काम इन्होंने क्या कब किया? इसका जवाब दे। राफेल कांड आपको याद होगा, अभी साहब वो कह रहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, जांच की बात की जा रही है, और जब हम आपकी बात का जवाब लेते हैं तो ये कहते हैं अभी दुबे बोल रहे हैं इस पर, केके शर्मा साहब अभी दुबे बोल रहे हैं, सुनते हैं। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भरोसा नहीं है, ये महाभियोग लेकर
आप चाहते हैं महाभियोग लेकर आए उस समय, क्योंकि इनको निर्माण नहीं होगा, पता है कि कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा, और इसी के लिए राहुल गांधी को राफेल के लिए आपने कोर्ट जाने की बात कही है ना, उसी का वो जवाब दे रहे हैं। केके शर्मा साहब जवाब तो सुन लीजिए, केके शर्मा साहब का अध्यक्ष जिसने केके शर्मा साहब आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ना, तो उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, राफेल कांड में हुआ था, इनके राहुल गांधी को एक नहीं तीन बार झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ी थी इसी राफेल कांड में। जवाब सुन लीजिए, वो बात अपनी क्या हुआ राफेल कांड का, आओ आज आप जाओ कोर्ट में, है कागज सब है तो जाओ चुनौती दो। अरे छे, अरे वो सुप्रीम कोर्ट के, अब सुनिए, ये चाहते नहीं है कि मंदिर का निर्माण हो, ये चाहते कि वो न्यायालय में लंबित हो जाए वापस। मुझे बताइए, इससे नहीं होने वाला दादा, इससे नहीं मंदिर निर्माण कुछ नहीं होगा। अरे आप तो रोज ये आरोप लगाओगे और आप के मुंह की खाओगे, क्या मुंह की खाओगे, इसलिए नहीं जा रहे हो वहाँ पे। राफेल कांड में भी यही हुआ था आपका, उन लोगों ने आपने जो बात कही है उसी का वो जवाब दे रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं, बोलिए जी जी अभी जी। सुनिए, देखिए मैं प्रामाणिक बातें करता हूं। जो रवि मोहन तिवारी और अंसारी की रजिस्ट्री हुई है, उसने उन्होंने उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट के मुताबिक कराया, अब सुनिए ना, जाओ भ्रष्टाचारियों, जाओ कहीं खड़े करो, यही चीज पूरे राफेल कांड में चुन लीजिए। इन लोगों ने झूठ फैलाया देश भर के अंदर, अंत में 2019 में देश की जनता ने फिर से इनको जवाब दिया। तुम्हारे झूठे शपथ पत्र, इसी झूठ बोलने के कारण मैं आज पूछता हूँ अभय दुबे, यदि वास्तव में तुम्हारे अंदर दम है, राफेल के विषय में आज जवाब दे दो, राफेल के विषय में आज फिर जवाब दो। पर्यंत नहीं रहेगी तुम्हारी सत्ता, झूठ बोलने का मशीन बनाए हुए हो 10 जनपद। अब सुनो, अब तुम्हें तुम बताओ, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को इंटीमेट किया तुम लोगों ने, उसकी ना खसरा है भैया, आप तो आप आरोप लगा रहे हो ना, हमें तो कहीं गलती लगती नहीं तो हम क्यों जाए, हमें गलती लगती नहीं, आपने आरोप लगाए हैं, आपके पास दस्तावेज तो जाइए, हमें जाइए वहां पर, आपके कहने से आरोप लगते हैं, आप तो आए दिन लास्ट चीज आरोप नहीं लगाते। तुम्हारा भांजा वैक्सीन, आप वैक्सीन का घोटाला आप करते हैं पंजाब में फ्री का वैक्सीन, आप लोग बेचते हैं वहां पर जाकर प्राइवेट लोगों को, नालियों में गाड़ते आप हैं, वैक्सीन का आरोप हम पे लगाते हैं, ये तो आपकी करतूत है। उसने बताया है कि जो जमीन ट्रस्ट आपकी करतूत है, क्योंकि झूठ बोलते हैं इसीलिए समर्थन नहीं है, जमीन दर्ज है क्योंकि आप केवल झूठ के यंत्र है। केके शर्मा साहब, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बाकी मुद्दों की बात ना करें, लेकिन अभय दुबे साहब, अबे दुबे साहब ये तो साफ ये कह रहे हैं कि अगर मामले की जांच की बात कही जा रही है, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, ट्रस्ट की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आ चुका है, अगर अभी भी लगता है कि जमीन को लेकर घोटाला हो रहा है तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया जाता? एक एक करके मैं जवाब लेना चाहती हूँ, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी आप फाइनल कॉमेंट दें अभय दुबे साहब। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जांच योगी जी, और ये सत्य है, मैं चुनौती देता हूं, कोई अदालत कोई संस्था उसको सही नहीं ठहरा सकती है, प्रधानमंत्री जी खुद भी जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि वो न्याय करेंगे, भगवान की आस्था के साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है उनको दंडित जरूर करेंगे, आज नहीं कल करना पड़ेगा, लेकिन ये सच देश के सामने आएगा। और इनका भगवान राम की आस्था से सरोकार ही नहीं है, ये तो समर्पण निधि पर निगाह लगाए बैठे हैं, ये कि इन दुराचारियों को ये भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान मेरे प्रभु श्री राम, उनका वैभव, उनकी आस्था, उनकी त्याग, उनके समर्पण, उनके आदर्श में है, कितने दिनों तक उन निधि से काम चला लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केके शर्मा आज केके शर्मा जी आज उनका साथ देंगे जिन्होंने लूट की है, ये भी सनातनी है, मैं जानता हूं इनको, इनकी आस्था भी राम के साथ है, मगर ये लोग उन लोगों ये उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने भगवान राम की आस्था के साथ कुठाराघात किया, ये बहुत ही दुखद बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। जी आपका फाइनल कमेंट केके शर्मा साहब। देखिए मैंने स्पष्टता के साथ सुबे जी कहा, आपने आरोप लगाया, यही काम, ये पुरानी आदत है कांग्रेस और विपक्षियों की, आपने राफेल का मैंने उदाहरण दिया आपके सामने 2017-18 में कितना हंगामा इन्होंने मचाया, क्या नहीं किया इन लोगों ने, और अंत में और कोर्ट से इनके राहुल गांधी को, उस समय अध्यक्ष थे राहुल गांधी इनके, ऐसा पहला अध्यक्ष हुआ जिसको तीन बार माफी मांगनी पड़ी अपने झूठ के लिए, राफेल कांड के लिए, और अंत में क्या हुआ, मेरा कातिल ही मेरा मुंतकिफ है, 2019 में देश ने इनको जवाब दिया, और कहीं कोई भविष्य बताएगा उसमें खरीदी में कुछ नहीं निकला,
ऐसे ही ये थूक के चाटने का काम करते हैं लोग। ये कांग्रेस पार्टी आज जो है क्योंकि लोगों को भरमाया जाए, लोगों में भ्रांति पैदा किया जाए, लोगों में उग्रता पैदा किया जाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह का भेदभाव खड़ा कर दिया जाए, इसके लिए इस तरह का वहां पर झूठा प्रोपोगंडा लेकर खड़े हैं। मैं कहता हूं भाई आपके पास इतने तर्क हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, आप डिटेल क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं? आपको पता है और आपको राफेल कांड में एक बात और याद होगी, सुरभि जी मैं आपको फिर से कहता हूं आप चेक करा लीजिएगा, ये क्या कहते थे कि हम कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे अगेंस्ट हो जाए। ये जजों पे आपने जो ये बात कही उसका अभी दुबे साहब जवाब दे चुके हैं, वक्त की कमी है, इस बात को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तो मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे पाखंडी और बहुरूपी कांग्रेसी और भारत की आत्मा और भगवान राम की आस्था पर चोट करने वालों को कोई माफ नहीं करने वाला है। घड़ा भरा गया पाप का आप लोगों के, घड़ा फूटने वाला आपके भरे हैं। चलिए आप जैसे कह रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं, मैं उसी पर इसको खत्म करना चाहूंगी क्योंकि आप दोनों ने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यूपी चुनाव में सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से हम देख रहे हैं राम मंदिर ही बन गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।